सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में। मैं हाजिर हूं नदीम आपके साथ एमसीक्यूज ऑन करंट अफेयर्स 22 अगस्त 2021 को लेकर के। और फिर सबसे पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के आपके सामने यहां पर लेकर के मैं आ रहा हूं। और आइए फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कल्याण सिंह। ही वॉज द फर्स्ट बीजेपी चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। The demolition of Babri Masjid in Ayodhya took place during his tenure. He was popularly known as Babuji. Only A and B, only B and C, only A and C, all of the above. The answer would be all of the above. जी हाँ, कल्याण सिंह जी का डेथ हो गया। 89 years उनके ओल्ड थे वो। अभी currently जो थे गवर्नर थे राजस्थान के, और उनके जो डेथ हो गए वो दो बार यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे 1991 में और 1997 में, लेकिन दोनों बार वो टेन्योर पूरा नहीं कर सके। दैट इज द फेस ऑफ कल्याण सिंह जी। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आते हैं और फिर चलते हैं। रिसेंटली बुलंदशहर, इन बुलंदशहर 3 पीपल डाइड ऑफ कंज्यूमिंग लीकर। द ब्रांड नेम ऑफ दैट लीकर इज मिस इंडिया वोडका। ऑप्शन ओनली ए, ओनली बी, बोथ एंड नन ऑफ द अबव। The answer is here कि मिस इंडिया was the name of the brand of that liquor, और 3 people were died in Bulandshahr. Bulandshahr किस स्टेट में है ये आप लोग बताएं। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हम्पी। या इट इज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ए बी इट हैड सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ द विजयनगर एम्पायर। सी इट इज सिचुएटेड नियर कृष्णा रिवर। वल्ली ए एंड बी, वल्ली बी एंड सी, वल्ली ए एंड सी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ए एंड बी होगा, यानी कि इट इज सिचुएटेड नियर तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा रिवर, जी हाँ। अभी हमारे महामहिम जो वाइस प्रेसिडेंट महोदय वहाँ गए थे विजिट में, इसलिए ये न्यूज़ में आया था। उन्होंने कहा था कि नो द कल्चरल हेरिटेज एंड फील प्राउड ऑफ योर फोर फादर्स। जी हाँ, तो ए एंड बी इज द आंसर एंड सी इज द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट, अपेक्स बॉडी फॉर चाइल्ड राइट इज सी डब्ल्यू सी, एन सी पी सी आर, जे जे बी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आंसर होगा चाइल्ड राइट के लिए एन सी पी सी आर है। ये न्यूज क्यों आया? ये आया कि इसमें मध्य प्रदेश में एक्चुअली में कि वहां पर एक हॉस्पिटल में क्राउड मोबिलाइजेशन के लिए बच्चों को धूप में बैठाया गया था। उस पर एनसीपीसीआर ने उस हॉस्पिटल के विरुद्ध, उस हॉस्पिटल वार्ड के विरुद्ध या उस हॉस्पिटल के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जी हाँ, तो अब आइए सीडब्ल्यूसी के बारे में जानें, एनसीपीसीआर के बारे में जान लें और जेजेबी के बारे में जान लें। तो आइए, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2000 जो के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनाने का के लिए डायरेक्शन देता है और कहता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनेगी, दैट इज द सीडब्ल्यूसी। इसी तरह से ये सीडब्ल्यूसी जो है एक फाइनल अथॉरिटी है टू डिस्पोज द केसेस फॉर द केयर, प्रोटेक्शन, ट्रीटमेंट, डेवलपमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द चिल्ड्रेन एज वेल एज टू प्रोवाइड देयर बेसिक नीड्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो सीडब्ल्यूसी हर जिले में होगा। आइए अब आगे, देन एनसीपीसीआर द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये एक इंडिया का स्टेचुटरी बॉडी है, एस्टेब्लिश बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। जी हाँ, सीपीसीआर एक्ट 2005 आया था। और यहां पे जो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में है, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और ये लागू हुआ 5 मार्च 2007 से काम करना शुरू किया। इसी तरह से आइए, जे जे बी यानी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या है? ये एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेक्शन 4 ऑफ द जे जे एक्ट 2005, यानी कि सॉरी 2015 के जे जे एक्ट के सेक्शन 4 के तहत जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का गठन होता है। और ये जो जुवेनाइल जस्टिस जो है, यानी कि ये जो डिवीजन ऑफ पावर्स है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस हैज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। ये स्टेट लिस्ट का ये हमारा सब्जेक्ट है, लिस्ट 2 एंड शेड्यूल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, नेक्स्ट आते हैं हम लोग।
और देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर मेंबर्स ऑफ द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, जयपुर वाराणसी, चेन्नई, मुंबई एंड हैदराबाद, ऑल ऑफ द अबव। यहां पर जो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क को जो है 7 कैटेगरीज में दिया जाता है, ऐसे शहरों को जो आर्ट्स या डिजाइन या फिल्म या गैस्ट्रोनॉमी या म्यूजिक या मीडिया आर्ट्स या लिटरेचर, इसमें उनके कोई योगदान रहा हो, तो इन 7 फील्ड्स में दिए जाते हैं। तो अब आइए हम यहाँ पर एक वर्ड आया है गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी पर कुछ बातें हम कर लेते हैं कि गैस्ट्रोनॉमी क्या है। एक स्टडी ऑफ फूड एंड कल्चर है जो कि विथ पर्टिकुलर फोकस ऑन गवर्नमेंट क्यूजीन, यानी कि पेटू व्यंजनों पर विशेष ध्यान जाता है ऐसा कहा जा रहा है बारा, लेकिन यानी कि इसका जो है कि हाइजीनिक और न्यूट्रिशियस फूड कैसे बनेगा, ये सारी बातें इसमें गैस्ट्रोनॉमी में किया जाएगा। जो जो इसको स्टडी करता है, जो जो इसके माहिर होते हैं, उसको गैस्ट्रोनॉम कहा जाता है। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के बारे में कुछ बातें जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी। हाँ, तो ये यहाँ पर है कि द वर्क जी, अभी यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क इज अ प्रोजेक्ट ऑफ यूनेस्को लॉन्च्ड इन 2004 टू प्रोमोट कोऑपरेशन अमंग सिटीज विच रिकॉग्नाइज क्रिएटिविटी एज अ मेजर फैक्टर इन देयर अर्बन डेवलपमेंट। 246 आर रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि एक दूसरे को सहयोग करेंगे ये सिटीज, और ये यूनाइटेड नेशंस का जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 2030 का, ये उसको अनुपालन के लिए है। तो एक सिटी दूसरे सिटी को सहयोग करेगा अपने अपने फील्ड में। तो ये यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने हमारे इंडिया से इस बार 2 सिटी को 2021 के लिए नामांकित किया है, और वो एक है फॉर द म्यूजिक ग्वालियर, ग्वालियर आप लोगों ने सुना भी होगा, ग्वालियर घराना, ग्वालियर घराना म्यूजिक के लिए इम्पोर्टेंट है, और फिर इसी तरह से क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के लिए श्रीनगर का नाम भेजा गया है। अब आइए हम ये देखते हैं कि यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत हमारे इंडिया में कौन कौन से सिटीज हैं। तो आइए, जयपुर है क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स, वाराणसी क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक, चेन्नई क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक, मुंबई फिल्म, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी। तो ये अब तक हम लोगों को 3 फिल्में मिल चुके हैं, क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स, क्रिएटिविटी एंड ऑफ क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक, फिल्म एंड गैस्ट्रोनॉमी। साथ ही के इस बार अभी जो आया न्यूज में वो ये था कि चेन्नई और सैन एंटोनियो का जो ये एक दूसरे का जो की बातों को जानने के लिए एम्बेसडर ऑफ यूएसए जो है उन्होंने वर्चुअल विजिट किया बोथ चेन्नई एंड सैन एंटोनियो के थीम पर। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि संगीत के लिए चेन्नई है और सैन एंटोनियो कहाँ अमेरिका का है, और वहां पर गैस्ट्रोनॉमी के लिए उनको मिला हुआ है, तो ये न्यूज में आया था जी। हाँ, एज अ पार्ट ऑफ मद्रास वीक सेलिब्रेशन द यूएस कॉन्सुलेट जनरल चेन्नई ऑर्गेनाइज्ड अ वर्चुअल टूर ऑफ सिस्टर सिटीज चेन्नई एंड सैन एंटोनियो ऑन फ्राइडे टू एनहांस द कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन बिटवीन द सिटीज। जी हाँ, तो ये था। तो आपने हमारे ख्याल से जान लिया होगा अब तक का जो है कि यूनेस्को का जो आपके साथ जो हमने डिस्कस किया क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के बारे में, आपको एक बार फिर से मैं दोहरा दूं कि यहाँ पे कि यूनेस्को का जो UCCN यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, मैं इसको दोहरा रहा हूँ, इज अ प्रोजेक्ट ऑफ यूनेस्को लॉन्च्ड इन 2004 में लॉन्च हुआ, 246 सिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी इसके हैं। चलिए तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग और आपके साथ डिस्कस करते हैं, और वो है अरेंज द फॉलोइंग स्टेट ऑफ अफगानिस्तान फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बगलान, पंजशीर, काबुल, हेलमंद, पंजशीर, काबुल, हेलमंद, बगलान, हेलमंद, काबुल, पंजशीर, बगलान, काबुल, हेलमंद, पंजशीर, बगलान। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ये हमारे ख्याल से 1 नंबर जो आंसर होगा। और आइए आंसर यहाँ पर हुआ क्या है कि डिफेंस मिनिस्टर जो है जनरल बिस्मिल्ला मोहम्मद, इन्होंने कसम खाई है कि भाई हम लोग जो है
इससे तालिबान से लड़ाई करेंगे, और पंजशीर के बगल में जो आपका बगलान है, बगलान का 3 डिस्ट्रिक्ट इन लोगों ने कब्जा कर लिया है, देहसाले, बानो और पुले पुल हिसार या पुल हिसार को इन लोगों ने कब्जा कर लिया है, जैसा कि दावा किया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग के इसका इस मैप को देख लेते हैं। देख लीजिए मैप में, मैप में यहाँ पर है पंजशीर, यहाँ दिस इज द पोजिशन ऑफ पंजशीर। एक मिनट मैं इसको हाईलाइट कर दूं। दिस इज द पंजशीर, दिस इज बगलान, यहाँ पंजशीर, काबुल, दिस इज हेलमंड, हियर, यहाँ दिस इज हेलमंड। तो इस तरह से आपने देख लिया सबसे नॉर्थ में कौन है। सबसे नॉर्थ में बगलान है, फिर पंजशीर है, और उसके बाद काबुल है और हेलमंड है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग और फिर देखते हैं। चित्रा पासिस अवे, शी वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड, सिनेमा, जर्नलिज्म, पोएट्री, पॉलिटिक्स? द आंसर इज सिनेमा। जी हाँ, मलयालम एक्ट्रेस, शी डाइड एट द एज ऑफ 56। और इनके कुछ फिल्में हैं जैसे अटक कलाशम, बलारुथु मुरुगलम, थोड़ा सा नाम में पढ़ने में ये है, बहरहाल तो चित्रा जी का नाम याद रखिएगा आप लोग। विच स्टेट हैज बैंड द मैन्युफैक्चर, सेल एंड यूज ऑफ ग्लू ट्रैप्स टू किल रोडेंट, यानी कि चूहों को मारने के लिए जो गोंद का इस्तेमाल करता है ट्रैपिंग के लिए, तो ये किस स्टेट ने इसको बैन कर दिया है? आंध्र प्रदेश, यूपी, तमिलनाडु, तेलंगाना? द आंसर इज तेलंगाना। जी हाँ, आंसर इज तेलंगाना। अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ केस प्रॉपर्टी रूल्स 2017 हैज बीन फ्रेम्ड, और अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के तहत ऐसा किया गया है। कहा कि ये तो क्रुएल्टी है, इसलिए इसको बैन किया जाता है। नेक्स्ट, मैरिज एंड इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल 2021 इज पास्ड बाय विच स्टेट? द आंसर इज, हियर द ऑप्शंस आर असम, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल। द आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, इसमें है क्या कि एक ड्राफ्ट यहाँ पर बिल, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल 2021 वहां पर लाने की तैयारी थी, और इसमें काफी प्रोटेस्ट हुआ है, और ये कहा है कि जो औरतें अरुणाचल प्रदेश की हैं और वहां के ट्राइब से शादी नहीं करती है बल्कि दूसरे स्टेट के ट्राइब से शादी करती है, तो उनके अधिकार छीन लिए जाए, ये उन लोगों के प्रोटेस्ट का वहां पर ये है आधार है। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। नेक्स्ट, फाइंड आउट द पेट स्टेटमेंट, एडमिरल करमबीर सिंह टुक ओवर एज द नेवी चीफ ऑन मई 31, 2019, और एयर चीफ मार्शल आर के एस भदुरिया टुक ओवर एज एयर चीफ ऑन सितंबर 30, 2019, एंड जनरल मनोज नरवणे टुक ओवर एज आर्मी चीफ ऑन दिसंबर 31, 2019। All are correct. तो यहाँ पर जो आंसर है ये तीनों साहब करेक्ट हैं, और तीनों साहब बन गए हैं, एक करमबीर जी नेवी के चीफ, और आर के एस भदुरिया जी एयर चीफ मार्शल, और जनरल मनोज नरवणे जी आर्मी के चीफ बने हुए हैं। और ये एक्चुअली ये लोग गए थे, एनडीए गए थे, ये नेशनल डिफेंस एकेडमी का हेडक्वार्टर वहां पर एकेडमी गए हुए थे, उसी पर एक न्यूज आया था। तो जान लीजिए कि नेशनल डिफेंस एकेडमी क्या है, एक डिफेंस सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो तीनों फोर्सेस के आर्म्स को ये करता है, वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। और ये कहाँ पर है, ये पुणे में है, पुणे में खड़क वासला पुणे में है। जी हाँ, और अब तक जो वहां का एलुमिनिया है एनडीए के, 3 को परमवीर मिला है, 12 को अशोक चक्र भी मिल चुका है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जी हाँ, ये हमने आपसे डिस्कस कर ही दिया है। और नेक्स्ट आते हैं, गौरी बाला दास और गौरी रानी जाना जो के मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल के सवंग के रहने वाली हैं, इन लोगों को नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड मिला है, किस फील्ड में मिला है? जान लीजिए किस फील्ड में मिला है, यही है क्वेश्चन का यहाँ पर। तो मधुर मठ, सीसल फाइबर मैट, पाइनएपल फाइबर मैट एंड जूट मैट। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ये मधुर मैट होगा, इन लोगों को मिला है मधुर मैट। जी हाँ, मधुर मैट, ये जो फिगर देख रहे हैं बैकग्राउंड में, वो मधुर मैट का, मधुर मैट को GI टैग मिला हुआ है, किसके लिए? वेस्ट बंगाल के लिए। ये रिजोम बेस्ड प्लांट है जो साइप्रस टेंटेगम इनका नाम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत हड़बड़ी में हूँ, विच हैंडीक्राफ्ट हैज गॉट पोस्टल कवर, मधुर मठ, कश्मीर कार्पेट, पाइनएपल मैट, जूट मैट। यहाँ पर आंसर होगा कश्मीर कार्पेट।